हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। आज मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाई हूं आपके लिए। उन लोगों के लिए है जिन लोग लगातार पूछ रहे थे कि बीएससी नर्सिंग के लिए नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं। तो जी हाँ, आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए नीट का फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके तरफ से दो नोटिस आया है। तो ये जो नोटिस आप देख रही हैं, पहला नोटिस था जो 3 अगस्त को आया था, इसके अनुसार यही बोला गया था कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उन्होंने काफ़ी सारे कॉलेजों की लिस्ट को जो है, नर्सिंग कॉलेजों को आपका एनटीए का लिस्ट में शामिल किया है। तो जिसके लिए क्या होगा कि आपको नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसमें ये भी साथ साथ लिखा हुआ है कि अब से क्या होगा कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी आपका नर्सिंग कॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बीएससी नर्सिंग में आपका नीट का मार्क्स को कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप नीट का फॉर्म भर दें, ताकि अगर आपका स्टेट अगर नीट का मार्क्स को कंसिडर करके आपको कॉलेज देता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होती। ये नोटिस था आपका 3 अगस्त को। अब चलिए देखते हैं कि दूसरा नोटिस में क्या था। चलिए देख लेते हैं कि 6 अगस्त को जो आपका नोटिस आया उसमें क्या बोला गया। तो 6 अगस्त को आपका दूसरा नोटिस आया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तरफ से, उसमें ये बोला गया कि नीट में का फॉर्म भरना बहुत ही ज़रूरी है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो आपका 10 अगस्त है। तो 10 अगस्त तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कर दें अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और उसके बाद आपका जो नीट यूजी का एग्जाम है वो आपका 12 सितंबर 2021 संडे के दिन कंडक्ट होने वाला है। और इसके लिए जो एडमिशन लेने के लिए बीएससी नर्सिंग में जो मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसके मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, उसके लिए आपका मिनिमम एज जो है वो आपका 31 दिसंबर तक 17 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन की अगर बात करें तो आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ आप पास होने चाहिए, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपका 45% मार्क्स जो है वो मिनिमम मार्क्स रखा गया है, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए आपका 40% मार्क्स जो है वो आपका मिनिमम मार्क्स रखा गया है। ठीक है, तो यही सब आपका बेसिक्स क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। आई होप कि आप नीट का फॉर्म जरूर भरेंगे अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो आप 10 अगस्त 2021 तक में आप 5 बजे तक शाम को आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आप जरूर से जाके, आपको यहाँ पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि आपका neet.nda.nic.in है, इस पर आप जाके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप www.nta.ac.in में भी आपको इसके आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आप जाकर नीट का फॉर्म जरूर से ज़रूर भरें अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। थैंक यू।